सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर एक नॉवल आ रहा है, किताब आ रही है और उसको चेतन भगत लेकर आ रहे हैं। मैं आपको लगातार उनके कुछ ट्वीट्स पढ़ाती हूँ, वो दो दिन से लिख रहे हैं, लेकिन अभी जो है उन्होंने एक ट्वीट थोड़ी देर पहले डाला था, 22 घंटे पहले। उसके बाद जो है मेरा डाउट और बढ़ गया। पहले मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि उन्होंने क्या क्या ट्वीट डाले और उनका जो नॉवल का टाइटल जो है डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो दिन पहले ले जाती हूँ। जो चेतन भगत को फॉलो नहीं करते तो उनके ट्विटर पर दो दिन पहले एक था जो उनकी नई किताब आ रही है उसके लेकर उन्होंने डाला था, सुसाइड और मर्डर कि जॉनर क्या होगा गेस कीजिए। और सुशांत को लेकर भी यही बातें चल रही है, सुसाइड है मर्डर है। उसके बाद जो है उन्होंने एक और डाला कि चलिए पार्टिसिपेट कीजिए मेरे साथ और बताइए कि मेरी किताब जो है वो किस चीज पर है। उन्होंने जो है बहुत सारे अल्फाबेट्स जो है डाल दिए और इसको जो है जोड़कर आपको इस क्विज को सॉल्व करना है, और जब हम ये क्विज सॉल्व करते हैं तो ये निकलता है मर्डर मिस्ट्री। तो इनकी किताब का जॉनर है मर्डर मिस्ट्री। उसके बाद वो डालते हैं आर यू श्योर इट वॉज सुसाइड स्टे ट्यून क्या आप? और उन्होंने सुसाइड क्या मतलब होता है डिक्शनरी के हिसाब से वो डाला कि सुसाइड इज अ नाउन द एक्ट और एन इंस्टेंस ऑफ टेकिंग वंस ओन लाइफ वॉलेंटियरली एंड इंटेंशनली। ये ट्वीट भी जो है मुझे लगा कि ये ट्वीट भी जो है सुशांत की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन आप इतनी जल्दी किताब लिखे ड्राफ्ट तैयार करें पब्लिश कराए ये पॉसिबल नहीं होता है। तो लेकिन अब 22 घंटे पहले वाला मैं आपको एक ट्वीट दिखाती हूँ। लड्डू वेट्स जलेबी उनके किताब के किरदार लग रहे हैं मुझे। अब इसमें खास क्या है, जलेबी कौन है, जलेबी फिल्म किसने की थी, जलेबी फिल्म रिया ने की थी, और इससे पहले कि जितने ट्वीट्स हैं वो मर्डर मिस्ट्री की ओर है। तो क्या ये सुशांत की जिंदगी में जो शायद इनकी किताब में लड्डू का कैरेक्टर है उसकी जिंदगी में जब जलेबी आती है तो क्या क्या होता है? हालांकि ये सारी स्पेकुलेशंस है जो वो खुद क्रिएट कर रहे हैं सभी रीडर्स के मन में अपने इस तरह के ट्विटर पर पोस्ट डालकर, और इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा बाबू सोना लड्डू जलेबी प्यार में लोग क्या क्या कहते हैं, मेरे यार ने भी यही किया एंड नाउ ही इज गेटिंग मैरिड, मोर डिटेल्स सून, टेल मी द मोस्ट अनॉइंग चीजी टर्म्स। वो उन्होंने फिर लोगों से क्विज मंगवाया है। उन्होंने लोगों से ये भी कहा कि बताइए कि मेरी नावल का टाइटल क्या हो सकता है। मैं और हिंट देता हूँ, पहले जो है 3 वर्ड है और उसके बाद जो है 8 वर्ड है और तीसरा लेटर 6 वर्ड्स का है। लोगों ने बहुत सारे टाइटल जो है गेस भी किए हैं कि उनको क्या लगता है कि इसमें क्या क्या टाइटल हो सकता है। हालांकि बहुत सारे वन ग्राउंडेड मर्डर, वन मिस्टीरियस मर्डर, इस तरह के बहुत सारे टाइटल जो है, वन अरेंज मर्डर, बहुत सारे टाइटल्स लोगों ने सजेस्ट किए जिस तरह का हिंट उन्होंने दिया था, क्लू दिया था। खैर आज जो है वो टाइटल अनाउंस करने वाले हैं, कल कवर होगा और परसों प्रोमो। एक बात साफ है कि सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में जो जो घटा क्या ये उनकी किताब उस और इशारा कर रही है, या सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीजें जो चल रही हैं उसका फायदा उठाते हुए वो अपने इस तरह से आने वाले नॉवल का प्रमोशन कर रही हैं, क्योंकि उनके जो पोस्ट हैं वो लगातार इस बात की ओर इशारा करते हैं कि या तो इस किताब का सीधा सीधा लेना सुशांत की जिंदगी से है, या सिर्फ और सिर्फ इस समय जो सुशांत को लेकर मिस्ट्री चल रही है, चीजें चल रही हैं, उन्हीं सब चीजों को इनकैश कर रहे हैं वो अपने नॉवल के प्रमोशन के लिए। आपको क्या लगता है आप कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।